नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज के इस सेशन में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी की ये सेकंड लेक्चर है, ये सेकंड क्लास है। कल हमने ऑलरेडी पॉलिटी का एक सेशन देख चुके हैं। कल जो हमने टॉपिक कवर किया था वो हमने महत्वपूर्ण अनुसूची और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को कवर किया था। आज के सेशन में जो हम देखने वाले हैं, ये जो टॉपिक है ये है आपका स्थानीय स्वशासन से, और एक ही पूरे क्लास में 20 से 25 मिनट में हम स्थानीय स्वशासन को कवर कर लेंगे। ये जो आपको पूरा एक इस तरीके से मैं बात करूं तो ये पूरा सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एमसीक्यूज का। ये एक तरीके से सुपर 90 है। सुपर 90 का मतलब यह है कि लगातार 30 दिन तक आपको तीन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। वो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे और वो सब्जेक्ट्स एक एक स्पेशली टॉपिक वाइज होगा। जैसे कि कल आपको जो क्लासेस मिली होंगी वो आपको आर्ट एंड कल्चर का एक क्लास मिला होगा, पॉलिटी का एक क्लास मिला होगा और एक इकोनॉमी का एक क्लास मिला होगा। आपने तीन क्लासेस कल देखी हैं और तीन क्लासेस आज आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। कल का सेशन अगर आपने पॉलिटी का नहीं देखा है तो एक बार आप उसे जाके ज़रूर देख लें। महत्वपूर्ण जितनी भी अनुसूचियाँ संविधान संशोधन है हमने उसे वहाँ पे कवर किया है। आज हम जो देखने वाले हैं महत्वपूर्ण जो भी स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन को हम देखेंगे। बढ़ते हैं, अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। अगर ऑप्शन देखेंगे, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। अगर मैं लॉर्ड वेलेज़ली की बात करूं, तो लॉर्ड वेलेज़ली को आप किसके लिए जानते हैं? आप जानते हैं सहायक संधि के लिए, सहायक संधि के लिए आप लॉर्ड वेलेज़ली को जानते हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेज़ली को आप सहायक संधि के लिए जानते हैं। और सहायक संधि पे अगर मैं बात करूं हस्ताक्षर करने वाले, देखिए आपसे ये नहीं पूछा कि कब कैसे क्या क्यों कहां क्या किया गया, डजंट मैटर। सहायक संधि में आप कुछ मत जानिए, सिर्फ इतना जानिए कि सहायक संधि को इंप्लीमेंट किसने किया था, लॉर्ड वेलेज़ली के साहब ने किया था। और सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला जो सबसे पहले पहला राज था वो हैदराबाद के निज़ाम थे। हैदराबाद के निज़ाम ने किया था, ठीक। इसके बाद मैं बात करूं हैदराबाद के बाद में अवध, पेशवा और तंजौर, ठीक है। ये राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर किए थे। और भी राज्य हैं लेकिन ये खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अवध है 1801 में। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि सहायक संधि के तहत अवध ने कब साइन किया था, तो सहायक संधि के तहत अवध ने 1801 में किया था। अगर मैं वही लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करूं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त के लिए आप जानते हैं, किसके लिए आप जानते हैं? अस्थाई बंदोबस्त, या जिसे आप जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं अस्थाई बंदोबस्त की बात करूं तो जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है, ये ठीक, ये वाला हिस्सा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कौन सा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन हिस्से शामिल थे अस्थाई बंदोबस्त के तहत। इन क्षेत्रों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। और इसी के साथ ही मैं बात करूं तो ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रों पे लागू किया गया था। इसमें जो जमींदार होते थे, जमींदारों को 1/10 अपने पास रखना होता था और 9/10 ब्रिटिश सरकार को पे करना होता था। अगर मैं वही लॉर्ड रिपन की बात करूं तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और ये कब किया गया था? 1882 में किया गया था। अगर मैं वही लॉर्ड कर्जन की बात करूं तो लॉर्ड कर्जन को आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन को अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड कर्जन को में सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेल विस्तार सबसे ज्यादा जो हुआ है लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुआ है। और लॉर्ड कर्जन को एक और चीज के लिए आप जानते हैं, वो है बंगाल विभाजन 1905, ये भी लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल पे हुआ था। सो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, लॉर्ड रिपन के ही काल में स्थानीय स्वशासन को इंप्लीमेंट किया गया 1882 में, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है,
सही मिलान आपको करना है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, एलएम संघवी और भूरिया समिति। अगर मैं वहीं पर बलवंत राय मेहता की बात करूं, तो सबसे पहले जो गठन किया गया था पंचायती राज में सुधार के लिए, वो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता साहब ने ये कहा कि जो पंचायतों का गठन है वो तीन स्तरों पर किया जाए, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे। वहीं अगर मैं अशोक मेहता साहब की बात करूं, तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने का अपना सुझाव दिया था। अगर मैं एलएम सिंघवी की बात करूं, तो एलएम सिंघवी साहब ने यह सुझाव दिया था कि पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और अगर मैं वहीं पर भूरिया समिति की बात करूँ, तो भूरिया समिति का संबंध पेशा कानून से है। आगे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एलएम संघवी को तो हम देखे लेंगे, लेकिन भूरिया समिति के बारे में एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं। भूरिया समिति का संबंध बेसिकली ये 1996 के आसपास किया गया था, 1996 में किया गया था। और यह कहा गया कि जो एसटी एरिया है, यानी जो ट्राइब्स एरिया है, ट्राइब्स एरिया में स्थानीय स्वशासन को इम्प्लीमेंट किया जाए और उन चीज़ों को बेहतर रेगुलेट करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय स्वशासन तो सारे राज्यों में लागू कर दिए गए जो सामान्य एरिया थे, लेकिन एसटी यानी जो ट्राइब्स एरिया हैं, वो जल्दी किसी भी परिवर्तन को अपने क्षेत्रों में लागू नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें रूढ़िवादिता ज़्यादा होती है। और रूढ़िवादिता ज़्यादा होने के कारण ही सरकार ने यह सोचा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो ट्राइब्स एरिया में भी पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन कर सके। इसी उद्देश्यों को लागू करने के लिए 1996 में भूरिया समिति का गठन किया गया था। अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं, तो 3, 2, 3, 4 और 1 सी आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक। विजयनगर चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती है। नंबर दो, ग्राम सभा से आशय पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत लोगों से है, ठीक है। 1919 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में शामिल किया गया, यह भी ठीक है। पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी सही है, ठीक है। अगर मैं इनके ऑप्शंस की बात करूं, तो स्थानीय स्वशासन की झलक अगर आप देखना चाहते हैं, तो अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि पहली बार जो स्थानीय स्वशासन एक बेहतर लेवल पर सुनियोजित ढंग से देखने को मिलती है, वह चोल और विजयनगर साम्राज्य में आपको देखने को मिलता है। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन भी रहा है कि चोल काल को वो जब भी पूछते हैं, तो वहाँ के चोलकालीन साहित्य पे या तो ज़्यादा प्रश्न होता है, या चोलकालीन की मैं बात करूँ तो चोल काल के स्थानीय स्वशासन पर ज़्यादा प्रश्न कमीशन करता है। देखिए क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाता है ना, तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि किसी साम्राज्य की कौन सी विशेषता रही है। तो अगर मैं चोल की बात करूँ, तो चोलों में उनका स्थानीय स्वशासन प्रजा उस टाइम पे अपने आप में बहुत बेहतर लेवल पे देखने को मिलता है। अगर मैं ग्राम सभा की बात करूँ, तो ये भी आपको पता है 1919 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया। अगर मैं इस बात करूं राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत की गई, मैं बात करूं, तो बलवंत राय मेहता समिति का जब गठन किया गया तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों को लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 1957 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, ये पहली बार था। और अगर मैं वहीं दूसरी बार की बात करूं, तो दूसरी बात आप देखेंगे कि 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश का महबूब नगर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, ठीक।
अगर मैं बात करूं, पहली बात तो नागौर है और दूसरी बात राजस्थान, सॉरी आंध्र प्रदेश का महबूब नगर है। जब तेलंगाना अलग हुआ तो महबूब नगर अब आपका है तेलंगाना में, ठीक है। इसके साथ ही मैं अगर आपको एक चीज़ और रिकॉल करना चाहूँ, तो जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बात करूँगा, 73वां संविधान लागू होने के बाद 1992 में पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, व्यवस्था लागू किया गया, ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। वहीं दूसरी बार की अगर मैं बात करूं, तो दूसरी बार अगर मैं बात करूं तो 11 अक्टूबर 1959 में महबूब और आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया। लेकिन चूंकि तेलंगाना पहले महबूब नगर आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान में तेलंगाना में, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 73वां संविधान संशोधन होने के बाद में, यानी संवैधानिक दर्जा देने के बाद में किस राज्य ने पहली बार लागू किया, तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने पहली बार इसको लागू किया, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन है डी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि स्थानीय स्वशासन का संबंध है 73वां, 74वां, 42वां और 52वां संविधान संशोधन। आपको भी पता है कि स्थानीय स्वशासन का संबंध 73वें संविधान संशोधन से। अब चूंकि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का जिक्र हो रहा है, तो एक बार हम स्थानीय स्वशासन को देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं स्थानीय स्वशासन की बात करूं, भाग 9 आर्टिकल 243 ग्यारहवीं अनुसूची में, कब किया गया, ग्यारहवीं अनुसूची में 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक। ये आप ध्यान दीजिए, कब किया गया, भाग 9 आर्टिकल 243 ग्यारहवीं अनुसूची में 1992 में किया गया। अगर मैं यहीं पे बात करूं विषय की, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसके साथ ही में अगर मैं संवैधानिक दर्जा की बात करूं, तो संवैधानिक दर्जा इसको राष्ट्रपति ने जब मोहर लगाया फाइनली, तो 1993 था। इसके बाद ही में अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान के नागौर जिले में किया गया, दूसरी बात आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में किया गया, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में मध्य प्रदेश में किया गया। इसके साथ ही मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे कब दिया गया, 24 अप्रैल 1993। यही रीजन है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं पंचायती राज की, यहीं पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40 किसका है, डीपीएसपी का है। आर्टिकल अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में राज्यसभा के गठन का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वां संविधान संशोधन आया है 1992 में, और 1992 में इसमें नगरीय स्वशासन को इम्प्लीमेंट किया गया। वर्तमान टाइम पे इसमें 18 विषय हैं। इसके साथ में अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करूं, तो 42वां संविधान संशोधन कई मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में पहली बार उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। मैं बोल रहा हूँ समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में ही आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भाग 4 का 51 आर्टिकल 51 का में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ मूल संविधान में नहीं है, 42वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। अगर मैं 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करूं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास अभिभावकों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में अगर मैं 86वें संविधान संशोधन की और भी बात करूं, तो फंडामेंटल राइट, अगर मैं आर्टिकल 21 क्लॉज ए की बात करूं, तो उसमें भी शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। इसके साथ ही में अगर आप डीपीएसपी देखेंगे, तो डीपीएसपी में भी आर्टिकल 39 में भी आपको देखने को मिलेगा कि 86वें संविधान संशोधन के तहत उसमें भी जोड़ा गया। इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं, तो आर्टिकल
21 क्लॉज ए शामिल किया गया। इसके साथ ही में 86वां संविधान संशोधन देखा जाए तो मौलिक अधिकार में 11वां मौलिक अधिकार शामिल किया गया, मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तीनों में संशोधन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा रहा 42वां संविधान संशोधन, जो कि मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन स्वर्णिम समिति के सुझाव पर किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, उद्देश्य का भी मैंने आपको बता दिया है। ये है हमारा 52वां संविधान संशोधन, अगर मैं 42वां संविधान संशोधन, अगर मैं 52वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 52वां संविधान संशोधन आपका किया गया है 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदल नियम को लागू किया गया। दल बदल नियम यह कहता है कि अगर पहले क्या था कि एक तिहाई सदस्य अगर किसी पार्टी में सदस्य ग्रहण कर लेते हैं तो वो दल बदल के नियम के बाहर रहेंगे, उनकी सदस्यता खारिज नहीं की जाएगी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन जब लागू किया गया तो 91वें संविधान संशोधन में यह बताया गया कि 1/3 का जो दायरा था वो 2/3 कर दिया गया, जहां पे 1/3 था उसे 2/3 कर दिया गया। और यह कहा गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टियों में शामिल होते हैं तो वह दल बदल नियम कानून के बाहर होंगे। अगर दल बदल विधेयक के योग्यता की मैं बात करूं तो इसका जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिन्ह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ग्राम पंचायतों का गठन और पर्यावरण संरक्षण। अगर मैं राज्य वित्त आयोग की बात करूं तो आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में किया गया है, पंचायती राज्यों का गठन आर्टिकल 40 और पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 48 क्लॉज ए में किया गया है। ठीक है, सो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो 2, 1, 3 और 4 डी इज द राइट ऑप्शन। चूंकि यहाँ व्याख्या बताने की उतनी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी सारी व्याख्याएं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्य का संबंध है, हालांकि मौलिक कर्तव्य मैंने भी आपको पहले ही बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य का संबंध है फजल अली आयोग से, फजल अली आयोग, केशवानंद भारती व सरकारी आयोग और स्वर्ण सिंह समिति। अगर मैं फजल अली की बात करूँ तो फजल अली आयोग का संबंध ये भाषाई राज्यों के पुनर्गठन से, 1956 में पहली बार भाषाई आधार पर गठन पुनर्गठन करने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को पहली बार पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर। अगर मैं केशवानंद भारतीवाद की बात करूं तो केशवानंद भारतीवाद जो आपका आया 1973 में आया है, केशवानंद भारतीवाद में ही मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और मूल ढांचा का सिद्धांत में यह कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के उन भागों में संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान की आत्मा है या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, अगर संसद आर्टिकल 368 के तहत कोई ऐसा संविधान संशोधन करता है या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, संसद कोई विधेयक लेकर के या अधिनियम लेकर के आती है जो आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अगर मैं न्यायिक पुनरावलोकन की बात करूँ, आई मीन जुडिशियल रिव्यू की बात करूँ, तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत अगर संसद कोई भी विधि, नियम, कानून, कायदा बनाती है और वह किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वह उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अगर वह पृथक्कीकरण विधेयक किया जा सकता है, मतलब अगर कोई सब क्लॉज है जो उल्लंघन करती है तो उस सब क्लॉज को खत्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज सब क्लॉज को हटाया नहीं जा सकता तो पूरा का पूरा विधेयक, अधिनियम या अध्यादेश को ही खारिज कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है। अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूं तो आपको भी पता है कि आर्टिकल 32 के तहत आप 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं वही बात करूं आर्टिकल 226 की, तो आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे विचारणीय प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की शक्ति जो है वो सिर्फ 5 आधारों पे किया, 5 आधारों का मतलब है 5 प्रकार से आप कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर ही जा सकते हैं। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि साहब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके तहत मैं आर्टिकल 32 के तहत आपके शरण में आया हूँ। ठीक है,
लेकिन अगर कहीं अगर आर्टिकल 222 है तो यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट के तहत जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके किसी अन्य अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो भी आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस यह है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना या खारिज नहीं कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, इस मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हैं और इनसे ज़्यादा हाई कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं रिट के मामले में। ठीक है, अगर मैं वहीं ये बात हो गई केशवानंद की, अगर मैं सरकारी आयोग की बात करूं तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। अगर मैं केंद्र राज्य संबंध की बात करूं तो सरकारी आयोग के साथ में एक है राज मन्नार, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, राज मन्नार आयोग और पुंछी आयोग। ठीक, राज मन्नार आयोग और पुंछी आयोग, ये दो और भी हैं जिनका केंद्र राज संबंध को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करूं तो मौलिक कर्तव्यों का जो संबंध है वो स्वर्ण सिंह समिति से है। अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया हमारे मूल संविधान में नहीं है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे यहाँ स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसके बाद 11वें जो मौलिक कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसका वर्णन ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक, सो यह रहा हमारा आज का क्वेश्चन। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पूरी कोशिश की है कि स्थानीय स्वशासन को एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, सो ये सेशन कंटिन्यू आप तक मिलता रहेगा। ये पॉलिटी का सेकंड सेशन है, पहला सेशन आपने उम्मीद करता हूँ कि देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप एक बार जा करके फर्स्ट सेशन को देख सकते हैं, ये सेकंड सेशन है। इसके साथ ही आपको 30 दिन तक लगातार डेली 3 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होगी। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।